रिव्यू ऑफ मूवी आर्टिकल 370। हेलो फ्रेंड्स, राइट नाउ हम लोग हैं वेब मॉल में और गोमती नगर के वेब मॉल में और मूवी देखने आए हैं आर्टिकल 370। चलिए अभी कुछ दर्शकों से मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 370 मूवी देख लें, फिर कंप्लीट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं उसका रिव्यू। और अभी बैकड्रॉप में दिखाते हैं आर्टिकल 370 का पोस्टर टीज़र। ओके, आप हैं इंडिया के ट्रेवल गुरु अमिताभ बघेल, लगे रहिए बने रहिए वीडियो के। ये बैकड्रॉप में आर्टिकल 370 का पोस्टर। अभी जैसा मूवी वे में ओवर हुई है आर्टिकल 370, सर क्या नाम है आपका? सर मैं दिनेश कुमार। और सर मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत बढ़िया थी, यादगार मूवी थी और काफ़ी रियलिटी के करीब थी। हम लोगों ने एंजॉय किया, जो ड्रामेटाइजेशन था वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल रियलिटी के बिल्कुल करीब था। रियल फैक्ट दिखाए। सर व्हाट्स योर नेम? डीके अग्रवाल। सर आपको कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट। यामी गौतम की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है और उसने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत ही लाइव, एकदम बहुत ही बढ़िया मूवी, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। व्हाट्स योर नेम? बाईपी सिंह। ओके, फैंटास्टिक मूवी थी, बहुत ही मज़ा आया और हमें तो बहुत ही प्राइड होता है। आप भी आगे वैसे 9 out of 10। मैम आप लोगों को कैसी लगी मूवी? मेरा यूट्यूब चैनल है, इट्स अमिताभ बघेल नाम से है, मैं भी आपको कार्ड दे दूंगा, सो डू वॉच। अभी मतलब एक दो घंटे बाद इसको अपलोड कर दूंगा। और मैं इंडिया का ट्रेवल गुरु हूँ, आई ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और अराउंड 7 years से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो व्हाट्स योर नेम? रचना सिंह। रचना सिंह मैम, आपका नाम? रमना अग्रवाल। ठीक है मैम। और माई सेल्फ अमिताभ बघेल, इंडिया का ट्रेवल गुरु। और जैसा कि अभी मूवी देखी है आर्टिकल 370 और इसके बारे में लोगों से थोड़ा डिस्कस किया है, लोगों को काफ़ी सच्चाई लगी है, तो एक बार फिर से पूछते हैं थोड़ा सा। तो मैम ये जैसे अवेयरनेस दिखाया है इसमें लोगों का, कश्मीर का कैसे जनता और वहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो क्या, किस हद तक सच्चाई है, क्या है? काफ़ी कुछ सच्चाई है इसमें, इतना न्यूज़ में देखते रहे हैं, टीवी में सुनते रहे हैं, वही मतलब दिखाया गया है। तो रियलिटी मतलब ग्राउंड जीरो की भी दिखाई गई कि मतलब जनता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो था, जो पत्थरबाजी वगैरह है, जो पैसे दे करके बच्चों से करवाई गई, वो सब बिल्कुल रियलिटी दिखाई है। और इस टाइप के इशू में और भी फिल्में बननी चाहिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और ठीक है सर, ओके, थैंक यू, ओके।